अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? हम जा रहे हैं आज अपना कैमलिक कार्ड रिसीव करने। वो असल में आधा तो हमारे एड्रेस पे ही है, पैतते पे आता है मेरे। वैसे इजी जबान है, पीटीटी कहते हैं, लेकिन तुर्किश में पैतते थे वहाँ पे आता है, फिर हमारे एड्रेस पे आता है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी होते हैं सुबह के टाइम, तो वो हमने रिसीव नहीं किया एड्रेस पे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट ऑफिस से रिसीव करने। हमें ब्रांच कोड भी नहीं पता कि कौन सी ब्रांच पे पड़ा हुआ है हमारा कार्ड, तो हम पहले मरकज़ वाली ब्रांच में जाएंगे, अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर हाईवे वाली ब्रांच जाना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड रिसीव कर रहे हैं। तो गाइज हमारा किमलिक बन चुका है, हमने कार्ड रिसीव कर लिए थे कल, और अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और अब हम जा रहे हैं अपना यमे खाने का कार्ड बनवाने। यमे खाने क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए लंच में ये लोग मतलब जैसे प्लेटर्स टाइप होते हैं ना, वैसे रखते हैं। अगर नॉर्मली आप लेंगे तो 70 लीरा का पड़ेगा, अगर कार्ड पे लेंगे तो 17 लीरा का पड़ेगा, 17। तो बहुत फ़ायदा है। वो इंटरनेशनल ऑफिस से मिलता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी से, हाँ, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑफिस जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ से अपना कार्ड बनवाएंगे। वो भी किमलिक पे बनता है, स्टूडेंट किमलिक हो आपका और स्टूडेंट ऑरेंज बिलगेसी हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो आपका बन जाएगा। मौसम देखें आप, हमें कार्ड मिल चुके हैं, अब हमारे बनेंगे स्टूडेंट कार्ड, उसके बाद बनेगा बस का स्टूडेंट कार्ड। तुर्की में भाई कार्ड्स ही कार्ड्स हैं यहाँ पे। तुर्की में आपको बहुत कार्ड रखने पड़ेंगे अपने साथ, हाँ, हर चीज़ के लिए कार्ड, हर चीज़ के लिए कार्ड। तो गाइस हमारे आहिस्ते आहिस्ते सारे कार्ड्स बनते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं खाने का कार्ड मैंने आपको दिखाया था, हमने बनवाया था, अब हम जा रहे हैं बस कार्ड बनवाने। बस कार्ड तो अभी भी है हमारे पास, लेकिन वो ताम कार्ड है, वो 15 लीरा स्टूडेंट कार्ड होता है ना, बस कार्ड स्टूडेंट कार्ड जो होता है, उसमें डिस्काउंट मिलता है हम लोगों को, वो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब जो हमें डिस्काउंटेड कार्ड मिलेगा स्टूडेंट कार्ड, वो हम बनवाने जा रहे हैं। ये है जी बोलू कार्ड ऑफिस, जहाँ से जो भी बसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ से कार्ड्स बनते हैं। ये लोग कार्ड को कार्ड बोलते हैं। हम अभी जाने लगे हैं, यहाँ पे अजोर्स कार्ड बनवा रहे हैं। इन दरम कार्ड्स, ये जो कार्ड्स हैं बस कार्ड, ट्रांसपोर्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, ये आपको बनवाने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ऑरेंज बिलगेसी जिसको तुर्किश में बोलते हैं, जो कि, और इसके अलावा आपको चाहिए होता है फोटोग्राफ्स, बस फिर आपको बना के दे देते हैं। और हाँ, किमलिक, किमलिक तो हर चीज़ में लाजमी है। अभी हम जा रहे हैं पैतते, क्योंकि हमें लेना है ईद एवलत का पासवर्ड। वो क्या होता है? ईद एवलत एक एप्लीकेशन होती है, उसमें आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो आ जाता है। आप मेडिकल टेस्ट करवाने जाएंगे या आपका तुर्की में कोई भी एक्टिविटी हो, वो उसमें आपकी शो होती है। ईद एवलत में आपका सारा जो भी तुर्की में आपका रिकॉर्ड होगा, वो सारा आपको भी पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, और आपके मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी आती हैं, और उसके अलावा किमलिक वगैरह कब एक्सपायर होगा, हर चीज़ आपके रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। सो जी हम आ गए, और वी आर वेटिंग फॉर नंबर्स। तो अभी हमने ईद व्रत का पासवर्ड वगैरह और ये ले लिए हैं हमने, ये देखें, एक सुमैया का है और एक मेरा है। हमारी आज प्रेजेंटेशन थी, हेलो जोश, हम लोग फ्री हो चुके हैं, अब जा रहे हैं थोन थोड़ा ये में खाने, खाना खाने। ये कार्ड में पैसे डलवा रहा है, जो फूड का कार्ड होता है ना,
इसमें पैसे डालते हैं, फिर वी कैन हैव आवर लंच। मेरा हो गया, अब बस बस का। ये देखें, ये लंच हो रहा है यहाँ पे। ये मेरे दोस्त बैठे हैं हमारे। हम फ्री हो गए हैं खाना खा के, अभी घर जा रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे और जल्दी जल्दी अज़ोश को जाना है, नमाज का टाइम होने वाला है। और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इतनी हल्की बारिश हो रही है, बहुत मजे आ रही है। सर्दी भी है। आज हमारी प्रेजेंटेशन भी थी जो कि बहुत अच्छी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, बहुत मजा भी आया। अब हम जा रहे हैं घर। हम लोग आ चुके हैं बस स्टेशन जो होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे सारी बसेस खड़ी रहती है। अब ये जो सामने बस है वो रेडी है, उसमें जाएंगे और फिर घर। हेलो जोश, हाय। सामने घर है हमारा और आज जुमे का दिन भी है, मुझे जल्दी जल्दी नमाज पे जाना है, तो इसलिए ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात।